That's why today most of the news are related to RBI only, and we have picked up very less news related to SEBI. Okay, along with that, the financial stability report for the month of June 2023 is released, and the video will go, you know, today will be uploaded today. So do not forget to watch that as well. It is going to be very relevant for your exams. Question can be asked from the financial stability report of RBI. Okay.

फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है मींस अप्रैल टू मार्च सो इन वन फाइनेंशियल ईयर एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन रेमिट अप्रॉड इतना पैसा बाहर लगा सकते हैं थ्रू एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विच मींस फॉर एनी परचेज ऑफ एनी गुड और सर्विस

250,000 डॉलर्स, दिस विल बी अप्लीकेबल टू सच रेमिटेंस। अब हुआ क्या है? What is the addition this time? The news this time is that RBI has directed the authorised person. What is an authorized person? These are authorized dealers which have been given permission by the RBI to deal in foreign exchange. तो आप इनसे exchange karwa sakte ho foreign currency. Okay, right? So RBI has directed these authorized person for what? To facilitate.

इसके अंडर फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं आईएफएससी में बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं अ लॉट ऑफ दीज कोर्सेज आर रिलेटेड टू फाइनेंस मैनेजमेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स राइट सो दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल बाय गिवन बाय दीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इफ यू आर मेकिंग एनी फी पेमेंट दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर एल स्कीम बस यही एडिशन है राइट टू फेसिलिटेट द रेमिटेंस टू फेसिलिटेट द रेमिटेंस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉरन यूनिवर्सिटीज और फॉरन इंस्टीट्यूशन विच आर लोकेटेड इन आई एफ एस सी फॉर कोर्स इसका मतलब अब हासिल फ्रीली यू कैन मेक पेमेंट थ्रू ऑथराइज पर्सन अंडर द एल आर एस स्कीम ओके नाउ दिस हेज बिन डन विद्यू ऑफ दिक्कत नोटिफिकेशन इशुड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ये ठीक है

What used to happen was that if you invest in security, if any company has issued any security in this IFSCA, you know, a company operating in the IFSCA has issued any security. And if you are investing in that security that used to be, you know, form part of LRS. Now fee payment is already uh, is also included. Okay, So this is and earlier we know uh, it is only for making investment in IFSC securities. सिक्योरिटीज ऑफ दोज कंपनीज विच हैव इशूड दीज इन द आई एफ एस सी ठीक है ओके अब फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अगर इन्वेस्टमेंट करती है इन सिक्योरिटीज में यू हैड हैव टू ओपन अट इंटरेस्ट बियरिंग नॉन इंटरेस्ट बियरिंग

उसेंड फोर एम क्या है टू सिंपलीफाई प्रोसेस ऑफ रेमिटिंग मनी आउटसाइड इंडिया एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट बाई इंडियन इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये याद रखना है दीज आर फॉर इंडिविजुअल दे आर नॉट फॉर वेर दे आर नॉट दिस स्कीम इज नॉट फॉर पार्टनरशिप कंपनी एच यू एफ ट्रस्ट ठीक है अंडर एल आरएस ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट यूएसडी कितना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिसेबल करेंट मीन्स आप अगर ट्रेड कर रहे हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स एफडीआई एफ आई आई एफ पी आई ठीक है ऑर अम्बिनेशन ऑफ बोथ सो दिस आई है दिस वॉट ऑल इज इंक्लूडेड दिस दिसम इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज you know this last one year the scheme has been in news in every second month okay now the next news is about manipur riots or the manipur crisis that is going on i hope you all are aware of this whatever is going on in manipur that is the severe situation and there is disturbance in the state administration state functioning as well because of the ongoing riot

आरबीआई हैज इज बैंक आरबीआई की एक डायरेक्शन है टू में आई थी 2018 में आई थी जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स है दिस पर सेवन चैप्टर नंबर सेवन रेफर्स टू राय एंड डिस्टर्बेंसेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ गाइडलाइंस ये चैप्टर का नाम है This pertains only to riots and disturbances. In a situation like that, RBI comes into play. RBI gives certain directions to banks. Ki ab ab kya kar sakte ho, because definitely, ab banks. What will happen is if everybody will not pay the loans of banks, banks' ka NPA will increase. If NPA increases, they have to make provisions. Their capital, jo hai, instead of you know, uh, being converted into any productive thing, they will be blocked. प्रोविजन, so, उनको कैपिटल से अपना प्रोविजन मेंटेन करना पड़ जाएगा राइट सो प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी फॉर बैंक एनपीए बहुत ज्यादा राइज हो जाएंगे विच विल इफेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ एंड फर्दर दे विल नॉट बी एबल टू लेंड दिस मनी राइट सो टू अवशन आरबीआई की आप आईडेंटिफाई करो यू शुड आईडेंटिफाई

Okay, let's just read it quickly. The Manipur crisis prompted state government to invoke RBI's riot relief measures, which will allow banks to restructure loans with at least one year of moratorium and grant consumption loans. So, in master direction, sorry, in guidelines, me two things the first one relates to restructuring of loan, which make moratorium period be one year ka, and the second is about grant consumption loan, मतलब extra loan. इट means ध्यान से समझिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन अगर किसी ने लोन लिया हुआ है इफ समबडी हैज ऑलरेडी टेकन अ लोन दे आर अ बरोअर यू हैव टू रीस्ट्रक्चर देयर लोन उसके अलावा यू कैन आल्सो गिव एडिशनल कंजम्पशन लोन तो ये दो चीजें बैंक्स कर सकते हैं अब इसमें कुछ लिमिट्स हैं किसको कितना लॉस हुआ है वो कैसे आइडेंटिफाई कराना है दिस वी विल अंडरस्टैंड आई होप बैकग्राउंड आपको समझ आ गया

ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लोन पहले वो समझते हैं कहता है पहले। अगर एंड द लॉस द लॉस इज बिटवीन थर्टी थ्री टू फिफ्टी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट आईपोलोजाइज इट इज फिफ्टी परसेंट थर्टी थ्री से फिफ्टी परसेंट का लॉस है राइट right?

The Banking Regulation Act 1949. Now, okay, so the provisions of these directions will apply to applicability kya hai to all commercial banks, which includes both domestic and foreign banks. However, excludes local area bank, payment bank, regional rural bank, small finance bank. So these banks are included, excluded. Local area bank, payment bank, regional rural bank, small finance banks. These banks are excluded.

बस इतना याद रखना है कि द न्यू स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच को हम बोल रहे हैं दिस न्यू अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी थ्री स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच अंडर दिस अप्रोच थ्री कॉम्पोनेंट आर देर द फर्स्ट इज बिजनेस इंडिकेटर द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज बिजनेस इंडिकेटर ये क्या होता है तो so, बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके कुछ कॉम्पोनेट को लेके उसके बेसिस पे एक बिजनेस इंडिकेटर बनाया गया सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डे डे टू ऑफ इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में द इंटरेस्ट पोर्शन लीज एंड डिविडेंड सर्विसेस एंड फाइनेंशियल कॉम्पोनेट्स को एड करके ये बिजनेस इंडिकेटर निकलेगा राइट वी डोंट हैव टू लर्न द कैलकुलेशन वी आर नॉट अकाउंटेंट्स वी आर नॉट ऑडिटर्स वी आर जस्ट

ट कि कितना मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये लॉसेज राइट सो अकेलिंग फैक्टर जैसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट में वी स्टडी अबाउट यू नो इन्वेस्टमेंट हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दी एंड इट मल्टीप्लाई सिमिलरली लॉसेस जो हिस्टोरिकल लॉसेज है उनके बेसिस पे एक स्केलिंग फैक्टर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड दिस विल टेल एस हाउ कैन द इंटरनल लॉसेज बी मल्टीप्लाइड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल रिस्क हियर जस्ट आईव ऑलरेडी एक्सप्लेन वॉट इज क्रेडिट रिस्क वॉट इज मार्केट रिस्क अभी तक क्या होता है क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क पे करंटली देर इज अटैंडाइज अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क एंडाइज अप्रोच फॉर ऑपरेशनल रिस्क जो कि अब आई है स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन अप्रोच इट इज यूज फॉर मार्केट रिस्क आई ऑलरेडी एक्सप्लेन वॉट इज क्रेडिट ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क एंड दीज आर द्री अप्रोचेज फॉलोड ऑपरेशनल रिस्क आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑपरेशनल रिस्क मींस द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इन एडुकुएट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसिस जो इंटरनली ऑपरेशन uh, है डे टू डे ऑपरेशन उनकी वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है या कोई रिस्क है लॉस होने का पीपल सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स और ऑल्सो इंक्लूड लीगल रिस्क बट एक्सक्लूड स्ट्रैटेजिक एंड रेप्यूटेशनल रिस्क विच मींस इट इंक्लूड्स लीगल रिस्क लीगल रिस्क इसमें इंक्लूड है OR OR क्या है यहाँ पे OR ORS ऑपरेशनल रिस्क ठीक है OR OR दैट इज ऑपरेशनल रिस्क इट इंक्लूड्स लीगल रिस्क लीगल रिस्क क्या होते हैं इफ अ पेनल्टी इज इंपोज्ड ऑन बैंक्स या अगर कोई ऐसी लीगल मैटर्स में बैंक्स फंसता है जिसकी वजह से उसको फाइन पेनल्टीज या प्यूनिटिव डैमेजेस हो सकते हैं दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ लीगल रिस्क राइट लीगल रिस्क आर इंक्लूडेड

अब जो मर्जर एंड एक्विजिशन है दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ क्रेडिट या मार्केट इज देशनल रिस्क इनकेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन जो बी आई कॉम्पोनेट के आइटम है एनी आइटम विच वर देर इन बी आई कॉम्पोन बिजनेस और मर्ज एंटिटीज अगर दो बिजनेस मर्ज हो रहे हैं या एक किसी और को अक्वायर कर रहा है सो द अक्वायर्ड पोर्शन इफ संबडी बैट एनी बी आई आइटम इज ऑल्सो अक्वायर्ड राइट बिकॉज ऑफ एन एक्विजेशन द बी आई आइटम्स जो बिजनेस इंडिकेटर में हमने आइटम्स पढ़ी थी इफ दे आर ऑल्सो अक्वायर्ड ओवर द्री इय पीरियड

फ्रॉम द बिजनेस ठीक है तो बी आई आइटम को अक्वास को मर्जर डेट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ आई एल एम फॉर ओ आर सी तो हमने दो चीजें समझी थी एट इज द बी आई इंडिकेटर एंड इंटरनल लॉस मल्टीप्लायर ठीक है सो बी आई इंडिकेटर अगर हमने In case of merger and acquisitions, in case of merger and acquisition, if any BI indicator item is acquired, if any BI indicator item is acquired, it will form part of the BI indicator. However, if any operational risk loss item is acquired, operational risk loss is acquired in preceding 10 years from the date of acquisition, this will form part of the ILM. ILM calculation component.

इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द यूनिट्स मतलब वो अपने यूनिट्स में अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको बेचना चाहते हैं वो निकलना चाहते हैं सो दे सेल ऑफ द यूनिट और दे सेल ऑफ द स्टेक इन दैट यूनिट दिस इज डायवेस्टमेंट डाइवेस्टेड एक्टिविटी फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ अब बी आई जब हम बी आई कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं या आई एल एम कॉम्पोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से द डायस्टिड एक्टिविटीज और द लॉसेस और द ड और अगर एक्सक्लूड करनी है तो आरबीआई की परमिशन चाहिए होगी दे कैन बी एक्सक्लूडेड ओनली आफ्टर आरबीआई अप्रूवल सी वॉट है सारे लॉसेज को आपको डिस्कलोज करना होता है राइट जितने भी आप अगर आप कोई डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं विच मीन्स आपने अपना स्टेक उस कंपनी से डाइवेस्ट कर दिया राइट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग दैट स्टेक एनी मोर यू सेल ऑफ दैट स्टेक और यूनिट स दैट इज हैपनिंग यू हैव टू इंक्लूडेड इन दीज कॉम्पोनेट्स आप इन कॉम्पोन में इंक्लूड करोगे विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ देशनल रिस्क इनके स्पेशल अप्रूवल चाहिए एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्टेड बाई अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होना चाहिए इन एडिशन लॉसेज जो है दे कैन बी एक्सक्लूडेड कैन बी एक्सक्लूडेड बट दे शुड बी इंक्लूडेड फॉर मिनिमम थ्री इस ठीक है विच मीन हमने तीन साल तक

या ऐसी कोई डाइवेस्टेड एक्टिविटीज़ है विच मीन यू हैव टू इंक्लूडम इंक्लूड करोगे तभी रिस्क कॉम्पोनेंट बढ़ेगा रिस्क कॉम्पोनेंट बढ़ेगा मतलब आप मिनिमम कैपिटल अच्छे से मेंटेन करोगे दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट ऑपरेशनल रिस्क रिक्वायरमेंट ठीक है ओके होप इतना समझ आ गया लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ओपन सब ऑफिस इन नागालैंड ये हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया हो अबाउट न्यूज फॉर लिटल वाइल्ड नाउ सोके आरबीआई ओपन सब ऑफिस इन नागालैंड वी आई होप यू ऑल नो हाउ मेनी रीजनल ऑफिस जोनल ऑफिस आर देर इन आरबीआई ऑब्वियसली आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं ये तो बेसिक बात है कि आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए राइट right? बिकॉज आपकी वहां पे यू uh, पर you know, uh, आपकी वहां पे पोस्टिंग भी हो सकती है राइट ओके सो रिसेंटली द रिसेंटलीप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई माइकल डेबा पात्रा डी बी पात्र एम डी पात्रा एम डी पात्रा

Talking about the functions that will be of the new sub-office of Kohima, these are the following functions, say Financial Inclusion and Development Department, Consumer Education Protection, Market Intelligence Cell, Human Resource Management Department. Okay. The currency management of the state of Nagaland will continue to be conducted, will continue to be conducted in RBI's office of Guwahati, this is important. So, these are the functions. These are the functions which will be managed by the sub-office of Kohima. However, the currency management function will be managed by the office of Gohati. Okay, the currency management function will be, you know, done by continue to be conducted by RBI's office in Guwahati. Talking about the sub-office, it will be headed by Shri Paresh Chohan, who is the general manager office in charge. So you have to remember the name of this person.

बैलेंस ऑफ पेमेंट इज न रेकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड इन द लास्ट वन इन रेजिडेंट एंड इन लास्ट वन ईयर अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात हो रही है और ट्रेड इज हैिंग बिटवीन टू रेजिडेंट टू इंडिविजुअल्स और टू पार्टनरशिप फर्म

दीज फॉम पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ इनविजिबल इन बैलेंस ऑफ ट्रेड वी हैव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सॉरी नॉट ट्रेड गुड्स ओनली गुड्स वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स दैट इज कमोडिटीज हियर बैलेंस ऑफ इनविजिबल में वी हैव सर्विसेज वी हैव ऑल यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंस इज ऑल्सो गिफ्ट इज गिवन और डोनेशन इज मेड और रिसीव्ड लेट से राइट सो हम रिसीव करते हैं of of अब इन दोनों के को इंक्लूड करके और यू नो कंबाइन करके बनता है द करेंट अकाउंट डेफिसिट इट बी इन डेफिसिट और इट बी इन सरप्लस डेफिसिट कब होता है money, right? जिसका मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा करा है एक्सपोर्ट कम करा है

Anything can be asked in your exam. India's current account deficit, this data is very important for Q4 also and for the entire year also. So it is 1.3 billion, which is 0.2% of the GDP. This is for Q4. You have to remember this data. Okay, uh, from last year time last quarter 2% of the GDP of that quarter, and last year 13.4 billion, which means if you see the

बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी हमें डेटा मिला है एंड में दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरक्स रिजर्व ठीक है फॉरेक्स रिजर्व में क्या इंक्रीज और डिक्रीज है ओके नाउ दिस इज अबाउट दर फैंशियल ईयर ट्वेंटी टू

उटफ्लो हुआ है इनस्टेड ऑफ इनफ्लो सो आउटफ्लो कितना है फाइव पॉइंट टू बिलियन का एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर था सिक्सटीन बिलियन का सो so, दोनों ही डेटा में डिक्रीज आया है डिक्रीज एंड एफ डी आई इनफ्लो में इज ऑल्सो देर इज एंड अडिक्रीज टॉकिंग अबाउट फोर फॉर एक्स रिजर्व पूरे साल के सो इन ईयर दिप्लीटेड

एक्सपेंडिचर कैसा रहा है और उनकी प्रॉफिट्स uh, कैसे हुए हैं नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब दीज आर नॉट एनडीएसी दीज आर नॉट बैंक ठीक है सो नॉन गवर्नमेंटल नॉन फाइनेंस कंपनीज का ये डेटा है फॉर ट्वेंटी टू नाउ और हाउ मेनी लिस्टेड कंपनीज थ्री वन वन फाइव लिस्टेड कंपनीज ठीक है

Uh, automobiles, petroleum, chemical industry. So, this you have to remember manufacturing 18% growth, total sale 19.8%. IT sector has sustained growth momentum and the performance of non-IT services also improved. Okay, let us look at the interest, interest payments kaisi chal rahi and the interest coverage ratio as well. So, the interest coverage ratio of the manufacturing companies moderate to 7.3 due to rise in interest expense. ओके इंटरेस्ट कवरेज क्या होती है ईबीआईटी फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरेस्ट पेबल इन द गिवन पीरियड इसका मतलब नाम से ही समझ जा रहा है इंटरेस्ट कवरेज इट मींस डस द कंपनी हैव इनफ अर्निंग्स टू कवर इट्स इंटरेस्ट जितना भी हमारा इंटरेस्ट है पूरे साल में लोन वी हैव टेकन और किसी और चीज में हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं द कंपनी आर वी एबल टू अर्न इनफ to cover that interest so for example ebit that is earning before interest and tax earning before interest and tax let's say is 7 lakh and the interest payable for the given period is let's say 1 lakh so hamara ratio kya so the ratio is 7 right which means we have enough earnings to cover our interest for this one year so our ratio is 7 which is the ratio of the manufacturing companies okay

सो इन्फ्लेशन हैज बीन स्लोइंग डाउन वी ऑल नो इन्फ्लेशन आ गया था अंडर मार्क इन लास्ट टू टू यू नो सो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन लेस दैट इज हैज हैज बीन स्लोइंग डाउन पर्सनल मार्कोइंगल एक्सपेंडिचर अब इन्फ्लेशन क्योंकि कम हुई है उसकी वजह से पर्सनल कंजम्शन एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है सॉरी इन्फ्लेशन जब बढ़ रही थी दिस इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन की वजह से पर्सनल कंजम्पन एक्सपेंडिचर कम हो गया है इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी Indian rupee has also turned out to be one of the most stable currencies. So, uh, because of uh, like I just explained, Fed tapering ki just say because of that, because of tight monitoring policy by the Fed Reserve, a lot of economies, a lot of not just emerging economies but also advanced economies faced a dip in their, uh, you know, in their currencies. Now, Indian rupee may be fall aaya hai. There is a fall. However, the you know the bulletin is saying that it has turned out to be better.

What is the reason? There are two reasons: War in Europe and monetary policy tightening. War in Europe, this gave just, keep just say, global supply chain disruptions were there? And the next one is monetary policy tightening. So when Fed bank, uh, you know, they uh, applied these tightening monetary policy in their Federal reserve, what happened was so because uh, monetary policy tightening there is a lot of outflow. So FDIs, FPI which in India they started going out. आउटफ्लो की वजह से डॉलर्स जो है हमारी इकॉनमी में कम हो गए थे बिकॉज़ ऑफ दैट बिकॉज़ ऑफ लेस डॉलर लेस सप्लाई ऑफ डॉलर इन द इकोनॉमी द रूपी एंडेड अप डेप्रिसिएटिंग रूपी की वैल्यू और कम हो गई राइट द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक्स हैव इंप्रूव्ड फर्दर एज लोन लॉस प्रोविजनिंग फॉर बैंक्स कंटिन्यू टू फॉल ठीक है क्योंकि एसेट जो है यू नो दे हैव

You have to remember the amount, how penalty is and also the reasons. Right? Just go through this once. If you can remember or recall in your exams, well and good. If you have time, definitely learn this. If you have there is ample amount of time left with you, then you have to learn all these. Okay. The next is setting up of new global financial architecture. What is news? The reason I have included this is because there is a change in the, uh, you know, in the syllabus this time. Recent global financial... Uh, developments we have to learn about them, we have to read about them for specially phase two. So that's why this is the news. What is the news? The finance minister Nirmala Siddharman, she left for France to attend two-day summit and to discuss global financial pact. The summit is co-organized by France, Barbados, and India. So she has gone to France for a summit. Ab us summit mein baat kya kari hai? She said that various discussions are going to be taking place. To create a global financial architecture, global financial architecture, this will go beyond the Bretton Woods Institute. Now, why are we talking about a new financial, uh, you know, architect architecture when we already have enough institutes, financial institutes, which are helping developing economies, emerging economies? Why do we need this? So, these new financial institutes are expected to work towards climate. Resilience to work towards mitigating the uh, you know harmful effects of climate change and also to uh, you know making better the situation that is going on. So the new global uh, yeah, the objective of the summit is to set up foundations for a new global financial architecture beyond the Bretton Woods system to address the climate change, the biodiversity crisis, the development challenges.

इन्वॉल्व इन दीज बट ऑल्सो अदर कंट्रीज कॉलोनाइजेशन उस टाइम पे खत्म हो गया था सब लोग वापस आ गए थे स्पेशलीज यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन ऑल्सो सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ट्रू डी कॉलोनाइजेशन हो रही थी एवरीबडी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम देर कॉलोनीज एंड कॉलोनीज नीडेड मनी दे नीडिड मनी फॉर डेवलपमेंट देडेड मनी फॉर यू नो अपनी कंट्री के लिए उनको पैसे चाहिए थे तो दैट इज वाई दीज टू इंस्टीट्यूट सेटअप वर्ल्ड बैंक एंड आई एम एफ वर्ल्ड बैंक इज में फॉर डेवलपमेंट

To mitigating the harmful impact of climate change. Right? And so that countries can be helped for their sustainable development goals. Okay. So abhi, so this is about the Bretton Woods system. I have a look at this. I've already explained this. The summit joku. The finance minister will discuss multilateral and uh, bilateral engagements with various uh, heads of the state, government, ministers, leaders. In subsequent discussions, the summit will be stepping stone and the focal point. डिस्कशन इन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कन्वर्जन इन रीशेपिंग द इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम मेजरली इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम की बात हुई है एंड अबाउट दिस न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑल्सो न्यूज पे आते हैं दिस इज अबाउट डेट फॉर नेचर अगेन बिकॉज ऑफ अ चेंज इन सिलेबस वी हैव टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में जिनकी बात हो रही है जिनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है so, क्या है

कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से करेंसी को स्वाप कर लेता है बैंक्स भी करते हैं ये राइट सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं करेंसी स्वाप अग्रीमेंट एक होता है इंटरेस्ट स्वाप अग्रीमेंट इंटरेस्ट स्वाप अग्रीमेंट में व्हाट वॉट हैपन्स इफ वन कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन लेट से

इस तो अब बैंक्स का कंपनीज का सबका एक ऑब्लिगेशन होता है टूवर्ड्स द क्लाइमेट टू वर्क टूवर्ड्स यू नो डेवलपमेंट गोल्स और टू वर्क टूवर्ड्स एलिमिनेटिंगेट कर सको क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इंपैक्ट्स को राइट कार्बन कैप्चर्स क्रिएट कर सको ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन को reduce, reduce कर सको तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंक ऑल्सो नाउ टेकन अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेट फॉर नेचर स्वाप का क्या मतलब है? In case somebody, in case a company has taken a loan and they are unable to pay it. So now this loan can be swapped, can be swapped with an agreement, with an agreement, with a new agreement. Ki now you don't have to pay back the loan. What you will do is instead of paying back the loan, you will work towards the environment. So let's say utna hi amount ka, let's say 1 lakh rupees ka utna hi amount ka up, you will. वर्क टूवर्ड्स द इनवायरमेंट अब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट लगाओगे इन एनी प्रोजेक्ट जो कि इनवायरमेंट के लिए काम कर रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक विच इज द लर्निंग आर्म ऑफ यू वॉट दी है नेचर स्वप ठीक इट इज डनफर टू स्टेम दर्सिटी लॉस डेट फॉर नेचर स्व में क्या होता है इट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन विच पोर्शन ऑफ अ डेवलपिंग नेशन फॉरन डेट इज फॉर गिवन इन एक्सचेंज फॉर लोकल इन्वेस्टमेंट इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन मेजर्स विच मीन फॉर डेट अगर हमने लिया हुआ था अगर हमने डेट लिया हुआ था फॉरन डेट दिस डेट विल बी फॉर गिवन एक्सचेंज क्या करोगे इफ आई एम फॉर डेट आई विल वॉन्टिंग क्या करोगे आप इनवेस्टमेंट करोगेटिकल डेट फॉर नेचर स्वाप्स की बात हो रही है सो इफ द्रेडिट गवर्नमेंट दू एस गवर्नमेंट दे हैड गिवन अ लोन टू अनादर गेट गवर्नमेंट नाउ वट देर डूंग आर canceling the debt. The creditor government cancel or reduces the debt owed by the debtor, right. So let's say they have given a loan of 1 million dollar. Now what they are saying is the lakh dollar ka aapne liya tha. let's suppose ab aap sirf 2 lakh dollar hi aap apne, uh, you know put in your various environment measures, conservation measures. Okay, so this is just debt for nature So how हमने debt diya This will be you know swapped with an agreement where you invest in uh, climate related activities. अपने

सीआरए आर एटलीस्ट वन परसेंट हायर है मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट वन परसेंट हायर होना चाहिए ऑफ द मिनिमम एप्लीकेबल सीआरए आर विच यू विल टेल मी इन द कॉमन सेक्शन नेट एनपीए नेट एनपीए जो है मैक्सिमम थ्री परसेंट ही हो सकता है विच मीन्स एनपीए जो है इससे कम होना चाहिए बट मैक्सिमम थ्री परसेंट हो सकता है देन यू विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज नेट प्रोफिट फॉर थ्री आउट ऑफ द प्रीवियस फोर ईयर थ्री आउट ऑफ द प्रीवियस फोर ईयर्स नो लॉस होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए ठीक है सिर्फ प्रॉफिट ही होना चाहिए इन द थ्री ऑफ द प्रोसीडिंग फोर इस एंड देर शुड नॉट बी एनी लॉस नो डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ सी आर आर एस एल आर ये तो ऑब्वियस है पूरे पिछले साल में कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद एट लीस्ट टू प्रोफेशनल डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एटलीस्ट टू प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होंगे जिनका काम ही यही है दे आर प्रोफेशनली डायरेक्टर्स

ओपनिंग ऑफ द ब्रांच तो वन द ब्रांच इज ओपन विद इन टू रिपोर्ट कहां सुपरविजन इट शुड ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सी आई बी एस आई सी आई एस बी आई सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टल जो है लास्ट न्यूज the okay? so ये न्यूज काफी इंपोर्टेंट है RBI की जितनी भी न्यूज टू बी आई द स्की अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल नो इट इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडर एल आर एस बोथ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड माइनर कंबाइंड कंबाइंड नहीं है यहाँ पे including minor individuals right so resident individuals including minor can freely remit up to two lakh fifty per financial year all of the above year will be incorrect statements consider the following and identify the correct statement with regard to recent development in sending remittance to ifsc any resident individual can now send usd 1 lakh over and above ye galath you cannot send 1 lakh over and above esakwe guideline the courses offered by foreign universities in ifsc include stem subjects only no this is incorrect stem is science technology engineering mathematics Uske labha, finance management fintech maybe courses hai. so for making investment in securities under lrs resident individuals are allowed to open non-interest bearing fca accounts this year is correct statement you had to find out the correct statement here three only will be the correct answer then the RBI has issued final master direction on minimum capital requirement for operational risk. Okay. With regard to this, identify correct statement. Operational risk includes legal, strategic, reputational. This is incorrect. It excludes strategic and reputational risk. The master directions will not be applicable to small finance banks and regional rural banks. This is correct. We understood Conconcy excluded hai, local area banks, labs, uh, small finance bank, RRBs.

Which of the following is a significant benchmark that are administered by FBIL? Treasury bill rates. So, the reason why I am doing this FBIL a significant benchmark is because very recently in the month of May or April we studied about LIBOR secession. dismay. LIBOR will not be used as a benchmark for finding various rates by the banks and uske lava ek or rate bhi RBI ne from FBIL list exclude kar tha. this.

इंटर मुंबई इंटर बैंक आउट रेट दिस इज करेक्ट एंड सिक्योर्ड ऑफर्ड फाइनेंसिंग रेट दिस इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाई एफ बी आई एल राइट सो सेकेंड एंड फोर्थ आर इन करेक्टर एंड फर्स्ट एंड थ्री आर करेक्ट ओके ठीक है रिसेंटली डॉक्टर माइकल सॉरी यस डॉक्टर एम डी पात्रा डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इनॉग्रेटेड सब ऑफिस ऑफ आरबीआई इन विच स्टेट ये आप मुझे बताएंगे वेरी 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 इजी बट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम With which of the following department will the sub office in Kohima begin its functioning? With say functions will be performed by this sub office? If financial inclusion and uh, development department, yes. Consumer protection, sorry, consumer education, yes. Currency management, no. This will be performed by any other sub office, uh, Gohati sub office and market intelligence cell, yes. So one, two and four here are correct. Next. Recently, RBI has released the data on India's balance of payment. There was a current account deficit of 2% in GDP, correct? FDI inflows in FY23 were higher than the last year. This is incorrect here, they were lower. In FY23, there was an accretion of US 9.1 billion. This is actually a wrong statement because there was a depletion of 9.1 billion last year. Accretion tha. So it is one only one is okay, correct? Pataniana? Yes.

यू नो डेफिसिट इंप्रूव कैसे हो सकता है जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें विच मीन हमारा रुपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा होगा हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे थर्ड वन इज इनकरेक्ट ओके देन रिसेंटली आरबीआई रिलीज डेटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर विद रेफरेंस टू दिस दी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग एफ आई ट्वेंटी थ्री मैनुफेक्चरिंग सेक्टर रिकॉर्डेड एटीन परसेंट ग्रोथ दिस इज करेक्ट there was an increase in manufacturing companies' expenses, expense increase, why due to deteriorating demand conditions. our uh, expense increase, it is because on raw material and employees, it is because productions are the or demand conditions improve, हुए हुए हुए. so there is the improvement in demand conditions, right, not deterioration in demand conditions. so this statement here is incorrect. interest coverage ratio is the ratio of interest expense, dbit it is actually ebit upon interest in the year okay so this is the correct ratio here so the first statement here is correct we have to find out the incorrect statement second and third will be incorrect okay this was yes this was the last question for uh, for today with this we end the session Right. I wish all, you all the very best for your upcoming RBA grade B exam. There is one more thing that I would like to mention is that recently the book, previous year book, has been released by Anut, sir. You should buy this book, especially if you're targeting RBA grade B exam. No matter in this year or in next year, previous year questions, and you are getting everything about previous year question papers, analysis of the question, why a question is asked. दैट ऑल्सो इज एक्सप्लेन इन द बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा बहुत अच्छी बुक है राइट आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू